ओके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पीलर्स uh, को हम डिस्कस कर रहे हैं सेशन पर हम कंस्ट्रक्टर्स की तरफ जाएंगे और साथ ही साथ डी डिफरेंसेस भी देखेंगे और प्रीवियसली सैशन तक हमने जाना कि क्लास ऑब्जेक्ट्स पैकेजेस क्या है मेथड्स क्या चीज़ हैं साथ ही साथ इनकेप्सुलेशन के हवाले से भी हमने तफसीला बात की एक्सेस मॉडिफायर एंड गेट सेट मैथड्स तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं फिर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर डिस्ट्रक्टर्स की तरफ चलेंगे और उसे भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे सो ए कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मैथड ऑफ द क्लास विच गेट ऑटोमेटिकली इन वोक्ड वेन एवर एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड यानी ये एक स्पेशल टाइप का मैथड है जो कि क्लास के अंदर इन्वॉल्व uh, होता है और जैसे ही आप किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो ये कॉल हो जाता है Like method, a constructor also contain the collection of the instruction that are executed at the time of the object creation. यानी जिस तरह से simple method uh, different चीजों के collections पर base करती है uh, instructions के, बिल्कुल इसी तरह से constructor भी base करेगी जैसे ही उसका object create होगा, ये चीज execute हो जाएगी. Last में बड़ा important part discuss किया जा रहा, it is used to assign initial value to the data member of the same class. यानी आप अपने class के ग्लोबल वेरिएबल्स को इनिशियली इनिशियलाइज करने के लिए यानी जब आप उसका इंस्टेंस इंस्टेंस बना रहे होते हो बनाते वक्त उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कर रहे होते हो यह इसका बेसिक फोकस है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना होता है कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होगा जो आपकी क्लास का नाम होगा इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकता और ये डिफ्रेंस हो सकते हैं यानी एक ही क्लास में एक नाम से ज़्यादा दफ़ा आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जो इसके टाइप्स में ही हमें डिफाइन हो रहा है अब इसके टाइप्स दो हैं और उन दो के जरिए से आप तीसरा टाइप भी क्रिएट करते हैं सबसे पहले डिफॉल्ट यानी जब कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है अगर आप फोर्सली कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो सेकंड टाइप हमारे पास पैरामीटराइज्ड है और उसी पैरामीटराइज के जरिए से हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करते हैं यानी अगर एक कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर थे तो सेकंड में मैंने दो पैरामीटर बनाकर उसको ओवरलोड कर दिया Constructor and its key types. Now, individually, they can default constructor. A constructor with no parameter is called a default constructor. A default const constructor has every instance of the class to be initialized to the same values. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज ऑल न मैरिक फील्ड टू जीरो ऑब्जेक्ट टू नल इन साइड अ क्लास यानी जैसे ही आपने क्लास बनाई उसका इंस्टेंस क्रिएट किया वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा खुद ब खुद वो डिफॉल्ट तौर पर उसमें मौजूद होता है आप चाहें तो फोर्सली बना भी सकते हैं वो तमाम इंस्टेंस को डिफॉल्ट तौर पर जीरो इनिशलाइज करेगा अगर कोई स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसको नल इनिशलाइज करके डिस्प्ले करवा देगा वेयर एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या फिर पैरामीटराइज के साथ ओवरलोड ए कंस्ट्रक्टर हैव एट लीस्ट वन पैरामीटर इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इट कैन इनिशियलाइज ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू डिफरेंट वैल्यूज आप डिफरेंट वैल्यूज के साथ अपने पैरामीटर को उसमें इनिशलाइज कर सकते हैं और जैसे ही उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे आप उन वैल्यूज को वहां पर बताकर उसे यूज कर सकते हैं तो हमने थ्योरेटिकली जान लिया अब मैं इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ यहां पर डिस्कस करता हूं तो इसके लिए हम एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो मैंने इसका नाम रख लिया उप्स, थ्री या टू ठीक है और हमारे पास एक और तौर पे ही एक हमारी क्लास होती है तो हम उस क्लास के बाहर आकर एक क्लास बना लेते हैं तो हे इज अ मेन मैथड तो मैं इसके बाहर आता हूँ यानी अगर मैं इस पार्ट पे आऊँ तो यहाँ पे क्लास बना सकता हूँ जो हम प्रीवियस सेशन पर तमाम जान चुके हैं क्लास क्या है और किस तरह से वर्क करता है तो मैं यहाँ यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई आ, गेम के नाम से ठीक है और गेम प्लेयर तो गेम प्लेयर के नाम से हमारे पास एक क्लास है इस क्लास में हमारे प्लेयर का एक नाम होगा तो मैंने कहा स्ट्रिंग प्लेयर नेम और उसके बाद इंटीजर प्लेयर आईडी दो वेरिएबल्स बनाए गए उसके बाद इनको मैं एक मैथड में इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैंने कहा पब्लिक वाइड गेम वन एक मैथड है और गेम वन मैथड के अंदर मैंने बताया कि प्लेयर नेम ऑफ गेम वन इज डैश वट एवर तो उसको कॉन्केटिनेट करवाना पड़ेगा अपने वेरिएबल को तो इसके लिए मैंने प्लस साइन के साथ लिखा यहां पर प्लेयर नेम कॉन्कैटिनेट किया और उसके बाद लिखा ज हर आई डी इज कॉलन और कॉलन लिखने के बाद अब मैं यहां पर कॉन्केटिनेट करूंगा अपने प्लेयर आई डी वेरिएबल को तो मैंने लिखा प्लेयर आई डी दैट्स इट तो मैं यहाँ पर एंट्रप्रास कर लेता हूं इस तरह से मैंने इन दोनों वेरिएबल्स को यहां यूज किया तो आप देख रहे हैं कि मैंने इन दोनों को डिफाइन किया लेकिन इनिचलाइज नहीं किया इसकी कोई वैल्यू नहीं बताई है अब मैं इसका इंस्टेंस बनाता हूं तो मैं मेन मैथड में आकर इसका इंस्टेंस बनाया मैंने और उसके बाद obj.press करके मैंने गेम मेथड को कॉल कर लिया दैट्स इट एग्जीक्यूट करते हैं हमने कोड को एंड हियर इट इज आप देख रहे हो कि जो प्लेयर नेम है वो यहां पर क्या लिखा आ रहा है नल और यहां पर जो आईडी है उसकी जीरो लिखी आ रही है वजह अभी हमने जाना कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है उन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए जो आपने ग्लोबल वेरिएबल के फॉर्म पर क्लास में बनाया होता है और जैसे ही आप इंस्टेंस बनाते हो वो चीज़ इन्वोक्ट हो जाती है कॉल हो जाती है और वो यहाँ पर हुई अब वो कंस्ट्रक्टर किस तरह से दिखता है तो वो कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसे दिखेगा आपको जो मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ मैंने लिखा पब्लिक आपकी क्लास का नाम ठीक है तो मेरी क्लास का नाम है गेम प्लेयर उसके बाद एज लाइक अ मैथर्ड ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है और उसी नाम से बनाया गया है जो हमारी क्लास का नाम है तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसकी वर्किंग थी सेकंड टाइप पैरामीटराइज है पैरामीटराइज के लिए मैंने इसे कॉपी किया नीचे पेस्ट किया अब मैं यहां पर आकर दोनों के ना इन पैरामीटर्स को वैल्यू दे रहा हूं इन टर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहां पर आकर कहा स्ट्रिंग प्लेयर नेम कॉमा इंटीजर प्लेयर आई डी गोइंग टू कॉपी द एंड देन पेस्ट दैट्स इट अब मुझे क्या करना है इस प्लेयर नेम को इस प्लेयर नेम के बराबर करना है ताकि ये कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते वक्त दी जा सके तो मैं यहाँ दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा दिस कीवर्ड का मतलब ये है कि ये वाला नेम बराबर हो जाए उस नेम के जो नेम यहाँ पर लिखा गया है तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया फिर उसके बाद दिस डॉट प्लेयर आई डी इक्वल टू दिस प्लेयर आई डी दैट्स इट तो इस तरह से हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहां पर बन गया जो इस मैथड को एक्सेस करेगा अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले मेथड में तो मैंने डिफॉल्ट को यूज़ किया है क्या मैं पैरामीटराइज के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकता हूं जो बिल्कुल कर सकते हैं मैंने इसको कॉपी किया नीचे पेस्ट किया ऑब्जेक्ट का नाम ओ बी वन कर दिया और यहां पर भी ओ बी वन लिख दिया तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करेगा और ये पैरामीटराइज को अब पैरामीटराइज के लिए जब आप यहां पर इंस्टेंस बना रहे हो ना एज लाइक दिस ये देखिएगा जरा मैं यहां पर आता हूं मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया ना तो देखो यहाँ दो कंस्ट्रक्टर के नाम आ रहे हैं एक तो कोई भी पैरामीटर को कंटेन नहीं करता लेकिन दूसरा मुझे दो चीज़ें दे रहा है ये कह रहा है कि आप प्लेयर का नाम बताएं और उसकी आई भी बताएं तो इसके लिए मैंने स्ट्रिंग के लिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ओपन क्लोज किया यहाँ पर लिखा प्लेयर नेम एंड ही इज आई तो आई डी इंटीजियर में तो मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए और उसके बाद उसे टर्मिनेट कर दिया दैट्स इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द कोर्ट एंड यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट कि जो पहली लाइन है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए से डिस्प्ले हो रही है और सेकंड पैरामीटराइज के जरिए से जो कि आई डी और नेम ने को यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है जो हमने अपनी कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त लिखा है तीसरी चीज़ कंस्ट्रक्टर में क्या है कंस्ट्रक्टर ओवर लोड कंस्ट्रक्टर ओवर लोड से मुराद ये है कि मैं दोबारा से इसी कंस्ट्रक्टर को कॉपी करूँ पेस्ट करूँ और अब यहाँ पर आई डी को चेंज कर दूँ कैसे मैंने एक और यहाँ पर आई डी बनाई इंटीजर और इसका नाम मैंने रख दिया स्कोर ठीक है सेम वेरिएबल्स को हम टॉप पे भी डिफाइन करेंगे दैट्स इट तो अब मैंने स्कोर को भी यूज किया तो मुझे यहां पे लिखना होगा भाई दिस डॉट स्कोर इक्वल टू दैट स्कोर अब यहां पर आने के बाद मैंने एक और चीज कॉन्कैटिनेट कर दी इसी मैथड से आप चाहें तो सेपरेटली एक और मैथड भी बना सकते हैं और मैंने कहा स्कोर इज कॉन्कैटिनेट वेरिएबल नेम इज स्कोर इट अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहली वाली चीज तो तीनों को ही क्या करेगी डिफॉल्ट प्रिंट करेगी लेकिन दूसरा मैथड क्या करेगा हमने यहां पर दो चीजें प्रोवाइड की हैं अभी सही है ना मैं दो के बेस पर देखता हूं कि हमारा आउटपुट क्या आता है तो आप देखोगे दो चीजें तो बिल्कुल प्रॉपर आई लेकिन तीसरी चीज यहां पर क्या लिखी आ रही है जीरो क्यों क्योंकि उसकी वैल्यू ही डिफाइन नहीं की गई है और जब आप यहां पर आकर इंस्टेंस कॉल करोगे तो आपको आप तीन कंस्ट्रक्टर दिखेंगे जीरो टू और थ्री तो इन तीनों में से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं तो मैं सेकंड वाले को तो वही रखता हूं जो पहले थी अब मैं इसे दोबारा कॉपी करता हूं और तीसरे कंस्ट्रक्टर के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं अब मैं इसका नाम चेंज करता हूं टू और यहां पर आकर तीसरी वैल्यू दे देता हूं मैं स्कोर की तो ये मेरे स्कोर की वैल्यू है तीनों कंस्ट्रक्टर यहां पर कॉल होंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए एंड हेयर इट इज एवरीथिंग इज़ नाउ फेयर तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर क्या है क्या दो टाइप्स हैं किस तरह से वर्क करती हैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हमने यहाँ पर बना कर देखा डिफॉल्ट क्या है जब कुछ भी नहीं होता है तो डिफॉल्ट किस तरह से दिखता है और वर्क करता है वो देखा पैरामीटराइज से क्या मुराद है और उसके बाद उस पैरामीटराइज़ को हम ओवरलोड कैसे कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मजीद मैं डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यहाँ पर मज़द कंस्ट्रक्टर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इस्तेमाल कर सकूँगा इन फ्यूचर ये बात हो गई कंस्ट्रक्टर की अब बात आती है डी स्ट्रक्टर की डी स्ट्रक्टर क्या चीज़ है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द मैथड एज लाइक अ कंस्ट्रक्टर लेकिन यह करता क्या है दैट ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड वैन एन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर यूज इसको आसान लफ्जों में ऐसे समझते हैं आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर 50 क्लासेस बनाई हैं और पचासों के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है हम जानते हैं कि जब हम क्लास बनाते हैं तो मेमोरी कंज्यूम नहीं होती है रिजर्व नहीं होती लेकिन जैसे उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं मेमोरी रिजर्व हो जाती है तो अब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें देखा जाता है कि 48 ऐसी क्लासेस हैं जिनके फर्दर आगे कोई जरूरत नहीं है ठीक है लेकिन दो की जरूरत है तो डी स्ट्रक्टर क्या करता है उन 48 क्लासेस को गार्बेज कलेक्टर के जरिए से रिमूव कर देता है और आपकी मेमरी को एक रेस्ट प्रोवाइड करता है जो काफी देर से लोडेड फॉर्म पर डेटा को स्टोर कर रही होती है वेन एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट हिस्स लाइफ साइकिल द गार्बेज कलेक्टर डिलीट दैट ऑब्जेक्ट एंड डी एलोकेट्स और रिलीज द मेमरी ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट it is also known as uh, finalizer that are non deterministic in java the allocation and deallocation of the object handled by the garbage collector the uh, invocation of finalizer is not guaranteed because invoke implicitly the destructor is the opposite of the constructor that's an important point ke jo no longer need nahi hai hame instance ki is डिस्ट्रक्टर्स के जरिए से वो उसको डिलीट कर देता है जो काम कंस्ट्रक्टर का है उसका रिवर्स काम डिस्ट्रक्टर का है कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाता है जबकि डिस्ट्रक्टर क्या करता है जब आप उसको इनिशियलाइज कर रहे होते हो तो डिस्ट्रक्टर की जब कोई जरूरत नहीं है आपके इंस्टेंस की तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा वही चीज आगे बताई जा रही है द कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट वाइल दंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिलीट एंड डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट रिलीज द रिसोर्सिस ऑक्युपाइड द ऑब्जेक्ट उन चीजों को वो रिलीज करता है उन जगहों को जो ऑब्जेक्ट ने ऑक्युपाइड किया हुआ होता है घेर रखा होता है मेमरी के अंदर ये स्पेसिफिकली इसका पर्पज है अब अगर आप इसको सी शार्प से कंपेयर करें तो सी शार्प के अंदर डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप एक टिल्ड का साइन यूज़ करते थे अपनी क्लास के नाम के साथ जबकि जावा के अंदर फाइनलाइज का एक मेथड यूज़ होता है जिसके जरिए से आप गार्बेज कलेक्टर को कॉल करके अपने इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करवाते हो फोर्सली ठीक है तो यहां पर हम फाइनलाइज मेथड का इस्तेमाल करेंगे जबकि अगर आप सी शार्प में करते हो तो टिल्ड के साइन के, के साथ अपनी क्लास का ही नाम लिखते हो ये बेसिक फर्क है लेकिन एक्चुअल जो डेफिनेशन एंड वर्किंग है वो दोनों की सेम है लेकिन स्ट्रेटजी या सेंटेक्स जो है वो दोनों के अलग अलग कॉल होंगे अब हम इसे यूज करके देखते हैं तो यूज करने के लिए प्रीवियसली जितने कोड हैं, सबसे पहले तो मैं उसे कमेंट करता हूं जो कंस्ट्रक्टर के लिए हमने इस्तेमाल किया तो सारी चीजें मैंने कमेंट कर दी पूरा प्रोजेक्ट इस वक्त ब्लैंक है ब्लैंक होने के बाद हम एक काम करते हैं कि मैं एक क्लास बनाता हूँ या आप चाहें तो एक मैथड बना लें सिंपल तो मैं यहीं पर एक मैथड बना लेता हूँ मैंने लिखा पब्लिक वाइट फाइनलाइज और इस फाइनलाइज के अंदर एस आउट के थ्रू लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड ठीक है अब हम एक काम ये करते हैं कि इस मेथड को इस बॉडी के बाद अब मैं इस बॉडी के बाद क्यों लिख रहा हूं अभी आपको बात समझ में आ जाएगी उप क्लास का नाम है इस क्लास के अंदर ये रहा एक मैन मेथड मेन मेथड के बाद मैं चाहूं तो मल्टीपल मेथड बना सकता हूं ना वही काम मैंने किया है तो पहले एररगस इसलिए देख रहा था दे रहा था क्योंकि मैं मैथड के अंदर मैथड बना रहा था तो मैं मैथड के बाहर आ चुका हूँ अब मैं मेन मैथड के अंदर आने के बाद कहता हूँ कि जिस क्लास के अंदर मैं मौजूद हूँ ना उप्स उसका मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ तो मैंने यहाँ पर इंस्टेंस बनाया ओ टू के नाम से और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसके ज़रिए से फाइनलाइज को कॉल करो और कॉल करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट को नल कर लो यानी पहले आपने अपने फाइनलाइज मेथड को कॉल किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट को फोर्सली आप क्या करा रहे हो नल नल करवाने के बाद गार्बेज कलेक्टर के जरिए से उसको डिस्ट्रॉय कराओगे या वहां पर जम करवाओगे तो मैंने कहा सिस्टम डॉट जी सी विच मीन गार्बेज कलेक्टर और उसके बाद जो भी तुम काम करवाना चाहते हो अपने आउटपुट स्क्रीन के जरिए से वो तुम यहां पे करवा सकते हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं नाउ आई एम होल्डिंग माई प्रोजेक्ट ठीक है ये मैंने लिखा अब यहां पर एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए से मैं करना करवाना क्या चाह रहा हूं देखो गार्बेज कलेक्टर की जिम्मेदारी ये है कि वो आपके इंस्टेंस को जब उसको फर्दर जरूरत नहीं होगी ना तो वो उसको डिस्ट्रॉय करवा देगा लेकिन अगर मैं फाइनलाइज का इस्तेमाल ना करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको डिस्प्ले करवाएगा और उसके बाद ये वाली लाइन दिखा देगा पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और फिर डिफरेंसेस समझते हैं देखें यहां पर लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड उसके बाद क्या लिखा आ रहा है ये वाली लाइन नाउ आई एम होल्डिंग द प्रोजेक्ट और उसके बाद दोबारा क्या लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉइड ठीक है मैं फाइनलाइज मैथड को नाम चेंज करता हूं ए बी सी करता हूं और यहां पर भी आकर ए बी सी कर देता हूं भाई मैंने और कोई चेंजिंग नहीं है फाइनलाइज का सिर्फ नाम ही चेंज किया है प्रोग्राम रन करता हूं अब आप फोकस करेंगे कि जब ये वाली लाइन डिस्प्ले हुई तो दोबारा से गार्बेज कलेक्टर कॉल नहीं हुआ पहले आपका इंस्टेंस कॉल हुआ उसके बाद जो भी मैथड ए या फाइनलाइज के अंदर चीजें थी वो लिखी हुई आ गई अगर मैं बैक करके दिखाऊं तो एज लाइक दिस तो इसके जरिए से आपका प्रोग्राम पहले क्या करता है आपके मैथड को कॉल करता है क्योंकि पहले लाइन पे यही बताई गई है ना पहले और दूसरे में कि भाई इस चीज को कॉल करो कॉल हो गई कॉल होने के बाद वो कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को नल करो गार्बेज कलेक्टर को कॉल करो गार्बेज कलेक्टर को आप इंस्टेंस के जरिए से नहीं सिस्टम के जरिए से कर रहे हैं फिर ये वाली लाइन डिस्प्ले हुई लाइन डिस्प्ले होने के बाद उसको पता चलता है कि भाई अब इसकी कोई जरूरत नहीं है इस फाइनलाइज मैथड की तो उसके बाद वो क्या करता है उसे डिस्प्ले करवाता है और उसके बाद अब वो इन फ्यूचर मजीद एक्सेस उसे नहीं किया जा सकेगा तो फाइनलाइज के मैथड के जरिए से आप रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो सिर्फ डिस्ट्रक्टर के लिए कि अब जब ये चीज कॉल हो गई है तो मजीद इस फ्यूचर में इसकी जरूरत नहीं होगी तो इस इंस्टेंस को आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो दैट्स इट तो जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा या मल्टीपल क्लासेस यूज होंगी तो वहां पर हम इस फाइनलाइज मेथड को इस्तेमाल करेंगे यानी जो भी आप मेथड बनाओगे उसका नाम फाइनलाइज कर दोगे तो उस फाइनलाइज करने की वजह से आपका ऑब्जेक्ट नल होगा और गार्बेज कलेक्टर कॉल होगा जिसके जरिए से वो इंस्टेंस आपका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिस पर्पज़ के लिए आप जी को यानी गार्बेज कलेक्टर को यहाँ पर कॉल कर रहे हो तो इस तरह से सेशन पे देखा हमने कि कंस्ट्रक्टर क्या है क्या स्पेसिफ़िक डेफिनेशन है दो टाइप्स क्या क्या हैं कोडिंग के रिस्पेक्ट से देखा फिर हमने जाना कि डिस्ट्रक्टर क्या है और क्या काम करती है और उसके बाद फिर हमने कोड के ज़रिए से उसको भी देखा कि प्रोफेशनली हम अपने मेमोरी को जब फर्दर वो यूज़ की ज़रूरत नहीं होगी इंस्टेंस की तो हम उसे किस तरह से फाइनलाइज मैथड के ज़रिए से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं